तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत एक नई वीडियो में। आज हमें VMCAT आई आप देख सकते हैं, और आज बात होगी एम्प्टी हेलमेट की। तो ये है बॉक्स। तो कैसा है बॉक्स, एक बार बॉक्स के लिए बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मेंशन है डिजाइन टू प्रोटेक्ट, मतलब डिजाइन भी रहेगा और प्रोटेक्शन भी आपको रहेगी, और साथ में एम्प्टी हेलमेट का नाम। ओहो, क्यों कर रहे हो भाई? तो ये देखिए, तो ये है एम्प्टी हेलमेट का लोगो, साथ में ऊपर लोगो, डिजाइन बाय प्रोटेक्ट दोनों साइड मिलेगा। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको पीछे का पोर्शन दिखा दें, क्योंकि क्या है खास इसमें। तो यहाँ पे है हेलमेट की फोटो, हेलमेट का नाम, डिटेल प्लस साइज। तो जी हाँ, ये हेलमेट है डबल एक्सेल, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे DM कमेंट आ रहे थे कि डबल एक्सेल के लिए बनाने को वीडियो, क्योंकि अपने पास था नहीं इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। मेरे पास ज्यादातर एक्सेल और लार्ज मिलेगा, आपको मीडियम भी मिल सकता है, लेकिन डबल एक्सेल हेलमेट मैं ये फर्स्ट टाइम मंगा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास इसके कस्टमर नहीं थे। और लेकिन जब कस्टमर आना चालू हुए तो अपने पास हेलमेट नहीं था, तो अभी स्टॉक पूरा आ चुका है। तो एक बार ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कैसा ये हेलमेट, तो रिवील करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर भी एक कवर है एम्प्टी का, यहाँ पे भी आपको दिखेगा डिजाइन टू प्रोटेक्ट प्लस एम्प्टी का लोगो। तो इसको रिवील किया जाए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। तो ये देखिए, ये है एम्प्टी का हेलमेट, डिब्बे को करते हैं साइड। तो कैसा लग रहा है ये कलर, ये ग्राफिक्स और ये हेलमेट? ये आपको पता है कहाँ बताना है, ये आपको बताना है कमेंट में। तो ये हेलमेट है, यहाँ पे मेंशन है हैमर, तो ये हैमर हेलमेट कैसा लग रहा है आपको ये बताइए। प्लस इसमें एक चीज और है, तो ये देखिए, इसको करते हैं पहले रिवील, हेलमेट को करते हैं साइड। तो ये है स्पॉइलर जो, तो ये है हमर, ये देखिए पीछे ऐसे ये लग जाता है। तो इसका लुक जो है वो काफी डिफरेंट, काफी अच्छा और थोड़ा स्पोर्टी लगता है। तो और क्या क्या है इसमें खास, पहले एक बार उस पर करते हैं बात। तो इसका जो कलर आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज है, ग्रे है, ब्लैक है, और हैमर की बैजिंग इस साइड प्लस इस साइड, और यहाँ पे मतलब कई जगह है। और साथ में ही आपको डिजाइन के साथ इसके जो फीचर हैं वो भी आपको मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे ही एम्प्टी का लोगो यहाँ पे भी लगा है, प्लस यहाँ पे भी एम्प्टी लिखा है ब्लैक से, साथ में ऊपर है हेलमेट लिखा हुआ, और पीछे आपको लोगो मिल जाएगा, ECE सर्टिफिकेशन नंबर, प्लस यहाँ पे मेंशन है डबल एक्सेल साइज। और इसका अगर वेट की बात करें तो 1450 ग्राम का ये हेलमेट है। तो कैसा लगा ये ग्राफिक्स, आपको कैसा लगा ये हेलमेट इस साइज के अंदर, तो ये आपको बताना है कमेंट में। एक बार मैं इसको लगा भी लेता हूँ कि क्या है इसकी साइज, कितनी ढीली होती है अपने को, क्योंकि मैं तो ज्यादातर L पहनता हूं। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको, अंदर से तो काफी मजा आ रहा है, क्योंकि इतना ढीला है कि आराम से मैं बात भी कर रहा हूं। वैसे ब्लॉगिंग तो मैं करता हूं एम्प्टी हेलमेट भी, आपको पता है, लेकिन ये काफी ढीला है, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप एम्प्टी या किसी भी अच्छे हेलमेट लेने गए हैं, ले रहे हैं फुल फेस, तो एक चीज याद रखिए, हमेशा ये जो चीक्स है आपकी टाइट होनी चाहिए, दबी रहनी चाहिए इस तरीके से, और हेलमेट हमेशा ऐसे हिलना चाहिए, और सर भी ऐसे ऐसे कभी ना हिले, क्योंकि ये हेलमेट होगा आपको ढीला या आपको फिट नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप हेलमेट लें अपने साइज का लें। तो ये हेलमेट में मजा तो काफी आ रहा है, काफी ढीला है मुझे, तो इसको निकालते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो कैसा लगा ये हेलमेट मेरे ऊपर, ये आप बताइए कमेंट में। तो और बात करते हैं अगर कलर की, तो कलर ऑप्शन में पास बहुत सारे हैं, एक बार आपको दिखाते हैं पहले सिनेमैटिक, फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनेमैटिक।
आई होप आपको सिनेमैटिक काफी अच्छा लगा होगा। कौन सा ग्राफिक्स आपको अच्छा लगा ये बताइएगा आप कमेंट में। और बात करते हैं इसकी पैडिंग की, तो पैडिंग काफी सॉफ्ट है। ये जो मटेरियल है जो चिक्स पे आता है काफी अच्छा लगता है, इचिंग या कुछ रबड़ी नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है ये जो यहाँ पे आता है, ये है जिनकी बियर्ड होती है उनको काफी दिक्कत होती है, यहाँ पे कुशनिंग काफी अच्छी है और काफी सॉलिड कर दी गई कि आपको यहाँ पे जो बियर्ड होती है वो लगे ना, फंसे ना, चुभे ना, इसके लिए काफी अच्छा है। और ये प्लस काम करता है व्लॉगिंग के टाइम पे, आपको जो भी एयर की नॉइज है उसको भी काटता है, तो इसलिए काफी अच्छा है। और इसकी जो पैडिंग है बड़े आराम से निकल जाती है, लग जाती है कि आपका हेलमेट वापस हो जाता है साफ और नए जैसा। और बात करते हैं एयर की, तो आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा एक एयर के, और एक पॉकेट आपको ऊपर मिलेगा और दो साइड में है, यहाँ पे आपको मिलेंगे जितनी हीटिंग अंदर की निकल जाएगी। प्लस इसका बात करें अगर वजन का, तो 1450 ग्राम का है ये, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और ये जो वाइजर है ये पिनलॉक है, और इसमें ये आप देख रहे हो जैसे आराम से ऊपर आता है वैसे नीचे आता है, लेकिन ये अभी लॉक नहीं है, इसको लॉक करने के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा। तो ये आवाज है कि ये हो गया लॉक, तो अब ये जल्दी नहीं खुलेगा एयर की प्रेशर से। और बात करें अगर इसके वाइजर निकालने की, तो बड़ा ही इजी है, बस इसको आपको पुश करना है और वाइजर बाहर, आराम से इसको क्लीन किया, सेट किया और लगा दिया। और ये देखिए आपका हो गया हेलमेट सेट। तो कैसा लगा ये हेलमेट आपको, ये आप बताइए कमेंट में। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अब बात करते हैं स्पॉइलर की। तो ये जो स्पॉइलर है इसको लगाने के बाद ये कैसा दिखता है, तो आपको तुरंत दिखाते हैं। मैं एक हेलमेट पर लगा के रखा हूं, तो ये देखिए स्पॉइलर के साथ ये लुक कितना खतरनाक लग रही है, कितना, या देखिए कंपेयर कर सकते हैं साइड टू साइड, पीछे का जो पोर्शन है कितना मस्त लग रहा है। ये सेम हेलमेट है, सेम डिजाइन है, बस कलर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये है ऑरेंज के साथ, तो ये है नियॉन के साथ। इसमें आता है ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, व्हाइट और नियॉन कलर, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन नियॉन का मिक्स है, कुछ लोग इसको ग्रीन बोलते हैं, कुछ लोग नियॉन, मुझे नियॉन लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये बताइए कमेंट के अंदर। और कौन से ग्राफिक्स आपको सूट कर रहे हैं, कौन से ग्राफिक्स आपको सबसे अच्छे लगे ये बताना मत भूलिएगा। और ये सारे हेलमेट हैं जितने भी मैं आपके पास दिखा रहा हूं, ये सारे हैं डबल एक्सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है डबल एक्सेल, डबल एक्सेल। तो डबल एक्सेल वालों आपके लिए खुशखबरी, इतने सारे ग्राफिक्स और ये खास आपके लिए है। तो फटाफट से आ जाइए अपने वीएमसी अड्डा, अपने मनपसंद हेलमेट लीजिए अपने साइज के। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप बताइए कमेंट में। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते, यहीं पे खत्म करते हैं इसको समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। और यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो जो थम्स अप वाला बटन उसको क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले जो बटन उसको दबा दीजिए। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम करने के लिए मेरा है #कौशिकराइडर, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं आपको कौन से हेलमेट पे वीडियो देखनी है, राइडिंग गियर पे देखनी है या क्या चीज पे चाहिए, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार इसको भी लगा के देखता हूँ कौन सा अच्छा लगता है। काफी मजा है वैसे डबल एक्सेल लगा के। तो चलो बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।